बता दूं कि इस क्लास में हमने स्ट्रेचिंग और कूल डाउन के लिए समय नहीं रखा है, क्योंकि 1 घंटे का समय हमारे लिए काफी कम पड़ जाता है, तो स्ट्रेचिंग वगैरह और कूल डाउन वगैरह हम उन सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप कोई भी आर्चरी की एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप जरूर करें। वार्म अप बहुत जरूरी है आपके हाई परफॉर्मेंस के लिए, आपको इंजरी से बचाने के लिए, हर चीज के लिए वार्म अप काफी जरूरी है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको ड्रो के बारे में बताना चाहूंगा। ड्रो हमारा जो हमने लास्ट क्लास सोनीपत से ली थी, उसमें हमने आपको बताया था स्टैंडिंग प्री ड्रो या सेटअप, दैट मींस कि हमने बो को कैसे उठाया, हमने वो चीज आपको डिटेल में बताई थी। ये जितने भी स्टेप्स हैं, मैं एक बार क्लियर कर देना चाहूंगा, ये जितने भी स्टेप्स हैं स्टांस से लेकर के फॉलो थ्रू तक, सभी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम आपको इसमें से ब्रेक ब्रेक करके बता रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, लेकिन जब आप करेंगे तो बिल्कुल रिदम के साथ होगा और एकदम फ्लो के हिसाब से होगा। आपको बीच में करते समय ब्रेक ब्रेक नहीं करना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको काफी छोटा छोटा और तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं जिससे हर स्टेप को आप अच्छे से समझ जाए। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ड्रॉ। आप लास्ट क्लास याद होगी, मैंने आपको एक फीलिंग बात की थी कि जैसे आपने उठाया और खींचना शुरू किया, आपको अंदर से आवाज आती है, आपकी बॉडी और दिमाग पूरा बोलता है हमारा बहुत अच्छा फोन जाने वाला है। तो हम उसी शॉट को परफेक्ट शॉट मान करके आपके सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो ड्रो होता है वो तीन तरीके का होता है, बहुत सारे लोगों के मध्य हो सकते हैं, ये हमारा पर्सनल है, आप जरूरी नहीं कि इस बात से एग्री हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ड्रो तीन तरीके से किया जा सकता है। नंबर वन, पहला है, एक मिनट में सिलेंडर लगा लो, जो पहला पोजीशन है, पहला पोजीशन है हमारा ड्रॉ करने का स्टेट ड्रॉ, एकदम सीधा सीधा, जो आज से 20 साल पहले तक लोग करते आ रहे थे ये मान सकते हैं आप, इंडिया में आज से 20 साल पहले तक जो हमारे बहुत सीनियर प्लेयर थे वो जो करते आ रहे थे उसको बोलते हैं हम स्टेट ड्रॉ। स्टेट ड्रॉ कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने स्टांस ले लिया, स्टांस लेने के बाद में हमने बो रेस किया और एकदम स्ट्रेट ड्रॉ किया, ये ऐसे हाथ ऐसे आएगा चीन के नीचे से ऐसा रगड़ते हुए और एंकर आएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये हमने उठाया और एक चीज मैं इसमें आपको और बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा शूटिंग लाइन पे आ जाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इमेजरी लाइन है, ये आपको जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है ये इमेजरी लाइन है। हम आर्चरी के किसी भी एक्शन की कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ये, इसको आप प्लेन मान लीजिए, इसी प्लेन के ऊपर ही आपको सारी एक्टिविटी करनी है। इसी में करना है, जो हमने प्री ड्रॉ एक्सटेंडिंग किया था वो भी इसी प्लेन के ऊपर करना है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमको इस प्लेन, जब तक आपका एरो टारगेट पे नहीं हिट कर जाता तब तक हम इस प्लेन को नहीं छोड़ सकते। तो इस प्लेन के ऊपर कर रहे हैं, ये हमने उठाया और एकदम से ये जो हाथ ऐसे करके रगड़ते हुए आएगा और एंकर होगा, ये हो गया पहला, ये बोर्ड रो है जो कि आजकल चलन में काफी कम है, इसको करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स
होती हैं, जो स्टेट ड्रो होता है, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं रामोदय जी वो चीज बताएंगे आपको डिटेल में कि स्टेट ड्रॉ करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉ कितने तरह का होता है और उसको कैसे किया जा सकता है। तो नंबर वन हो गया स्टेट ड्रॉ, नंबर टू हो गया थोड़ा सा आउटर ड्रॉ, जिसको कि कह सकते हैं जो यूएस के कोच है किसी की, वो इस चीज को काफी प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा ड्रो आउटर की तरफ से हो। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होगा। सिंपली आपने एक्सटेंड किया, ये हल्का सा बाहर की तरफ से आएगा। मैं आपको काफी बड़े एक्शन में दिखा रहा हूं कि जिससे आपको समझने में आसानी हो, लेकिन ये काफी छोटे पैमाने पे होगा कि जैसे हमने ये एंकल लाया, हल्का सा बाहर से आएगा और फिर अंदर बैठेगा। मैं आपको एक्शन के साथ पूरा दिखा दूं एक बार। स्टेट ड्रॉ के मुकाबले ये ड्रॉ काफी बेटर है। अगर हम देखें बैक मसल्स या लाइन ऑफ मोशन या कंटिन्यूअस मोशन, जिसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोमैकेनिकली काफी अच्छा है, इसको भी वर्ड में काफी लोग आजकल प्रेफर करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ड्रॉ, जिसको हम मैं अपनी लैंग्वेज में कह सकता हूँ क्वेश्चन जैसा, कि जैसे हम क्वेश्चन मार्क होता है उसको ऐसे करके लिखते हैं, तो ये ड्रॉ भी कुछ ऐसे आएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपने लिया है, ये आपने एक्सटेंडिंग किया और हल्का सा नीचे की तरफ आएगा और फिर एंकर बैठ, समझ में आए। लेकिन ये काफी छोटे लेवल पे होता है, ये हमने उठाया, ये हल्का सा नीचे ये सब इस वाले ड्रॉ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे कोरियन आर्टर्स को देखे, बहुत सारे कोरियन कोचेस को देखे, और एंकर बैठने से पहले हल्का सा चीन के नीचे आए और फिर बैठ जाए, दैट मींस कि वो ऐसे आया और ऐसे करके बैठ गया। ये ड्रॉ काफी ज्यादा चलन में है, क्योंकि हम कोरिया को इसलिए भी फॉलो करते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट आजकल वहीं से निकल रहे हैं, चाहे वो एशियन की बात करें, चाहे वर्ल्ड की बात करें, चाहे ओलंपिक की बात करें, हर जगह उन्हीं के नाम पे रिकॉर्ड है। तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर उन्हीं की चीजों को फॉलो करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ रिसर्च काफी कम पैमाने पे है, उनके यहाँ पे रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो इसलिए हम उनके रिसर्च वगैरह को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली ड्रोन से आपको बता दूं कि एक स्ट्रेट ड्रो होता है जो चिन के नीचे से रगड़ते हुए एंकर पे बैठेगा, और तीसरा क्या होता है, हल्का सा क्वेश्चन मार्क की तरह से नीचे से आएगा और बैठेगा। इसमें आपको वही एंकर प्रेफर करना है जो आपका बॉडी और बॉडी पोस्चर के हिसाब से सूटेबल हो। इसके लिए जरूरी है कि आप जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझने सीखने को मिलेंगी। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जैसे समय में क्या होगी, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो थोड़ा सा कंटिन्यूअस चैन बन जाएगा और आपको समझने के लिए काफी आसान होगा। जैसे मान लीजिए हम शूटिंग लाइन के ऊपर चले गए। शूटिंग लाइन के ऊपर जाने के बाद हमारा जो भी नॉर्मल ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग, जो भी हमको साइकोलॉजिस्ट या आपके जो योगा एक्सपर्ट हैं, जो भी आपको एडवाइस करें अपने आप को रिलैक्स या कूल करने के लिए, वो चीजें आप कीजिए। उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहते, हम केवल उस चीज से लेना चाहते हैं कि जब आप शूटिंग के लिए तैयार हो तो एक एरो शूट करने के लिए ब्रीदिंग की स्टेप क्या क्या होगी वो उस पर हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने स्टांस ले लिया, आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है वो चल रहा है, आपने एरो लगा लिया, जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है वो बिल्कुल चल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करनी है। जब आपने हुक एंड ग्रिप कर लिया तब भी आपका ब्रीदिंग नॉर्मल चल रहा है, उसमें भी हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन हमने आपको एक्सटेंडिंग जैसे ही हमने
भी हमारा नॉर्मल ब्रिज चल और ज्यादा हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपको ध्यान देने वाली बात मैं फिर से बताऊं कि जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आंख से ऊपर आपका हुक नहीं जाएगा, आंख के लेवल से नीचे रहेगा, जिससे कि आपने जो टारगेट पे अपनी दृष्टि बनाई है वो दृष्टि बाधित ना हो। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वो हम जब आपको साइकोलॉजिकल एमिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, तब उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कि अगर आपका दृष्टि बाधित हो जाता है किसी भी एक्शन को करने के लिए। तो जैसे हमने ऐसे उठाया, उसके बाद हमने क्या किया, अपना नॉर्मल ब्रीथ अंदर ले लिया, अंदर इन द सेंस स्टमक से है, ना कि चेस्ट से है, जो हमने आपको पहले बताया, मैं फिर दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमने अपना नॉर्मल ब्रीथ अंदर ले लिया, और जैसे ही हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, हमको लगभग 10%, वो भी मैन टू मैन डिफर करेगा, कि लगभग नॉर्मल ब्रीथ का 10% हमको ड्रॉ करते हुए बाहर निकाल देना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे ही हमने इसको उठाया, नॉर्मल ब्रीथ हमने अंदर ले लिया, और जैसे ही हमने ड्रॉ करना शुरू किया, नॉर्मल ब्रीथ का लगभग 10% मैन टू मैन डिफर करेगा, लगभग 10% हमने बाहर निकाल दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा एंगल दिखा के बात करता हूं कि सपोज करिए हमने उठाया और इतना ब्रीथ हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और जैसे ही हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, वो एक स्मूथ वे में हमने हल्का सा आउट कर दिया। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हल्का सा ब्रीद निकालने के बेनिफिट्स ये हैं कि गलती से अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्रीदिंग के टाइम में अगर ऊपर आ गया हो, तो वापस हल्का सा 10% निकालेंगे तो वो अपने जगह पे पहुंच जाएगा। आपके मसल्स के अंदर अगर कोई स्टिफनेस वगैरह आ रखी होगी, तो हल्का सा ब्रीद निकालते ही वो सारी चीजें एकदम रिलैक्स वे में आ जाएंगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये हो गई हमारी ब्रीदिंग की पोजिशन। ब्रीदिंग की पोजीशन के साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के टाइम में बहुत सारे आर्चर्स का आपने देखा होगा, लोंगवार ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। बहुत सारे आर्चर्स का आपने देखा होगा ड्रॉ करने के टाइम में लॉन्ग स्ट्राइडर ऐसे ऐसे मूवमेंट काफी ज्यादा करता है। दैट मीन्स कि आपका ग्रिप प्रेशर ठीक नहीं है। किसी भी अच्छे आर्चर्स को उठाइए, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वर्ल्ड का हो, आप उसका देखेंगे लॉन्ग स्टेबलाइजर का मूवमेंट बहुत कम होता है। आप किसी का भी यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, या आप किसी आर्चर के संपर्क में आप उनका शूटिंग देख लीजिए, उनका देख, जैसे मान लीजिए हमने ये उठाया, सिंपली ड्रो करना शुरू कर दिया, अगर इसमें हमारा मूवमेंट ये हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका ग्रिप प्रेशर ड्रॉ करने के समय चेंज हो रहा है, जो कि गलत है। ग्रिप प्रेशर हमने आपको बता दिया कहां पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें आप उस चीज को फॉलो कीजिए। और जो है मुझे लगता है कि कुछ एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया अभी चैट बॉक्स में, कि आपने जैसे बताया कि तीन तरह का ड्रॉ है, तो आर्चर ये जानना चाहता कि कौन सा ड्रॉ बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा ड्रो, तीन तरह के ड्रो में कौन सा ड्रो ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरा जो पर्सनल कहना है कि जो मैंने लास्ट वाला ड्रो बताया है, जो हल्का सा नीचे की तरफ होकर के आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कह लीजिए कि हमारा जो फिजिकल बनावट है वो कोरियन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है बजाय यूरोपियन के। तो जो मेरा पर्सनल सलाह है कि जो हम ड्रो करते हैं और वो नीचे की तरफ वाला अगर हम ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि हमारा नेक आगे नहीं जाएगा, और बैक मसल्स का भी प्रेशर मिलेगा, और हम उसी प्लेन के ऊपर काम करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें मेरा यही मानना है कि जो लास्ट वाला ड्रॉ है, जो हल्का सा नीचे करके एंकर बैठाते हैं, मेरे हिसाब से वो ज्यादा सूटेबल होगा। इसमें जो है हमको ध्यान में रखने वाली बातें वही है जो हम ने एक्सटेंडिंग में की थी, कि जो हमारा जो बैरल ऑफ द गन है, जो हमने उठा करके काम किया है, कि ये पॉइंट जो पीछे का दोनों स्केपुला हड्डी है, वो तीनों चीजें सब एक लाइन में रहे, और फिर उसको डिटेल तरीके से किया जाए। तो इसको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी बैलेंस,
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बहुत गलत गलत तरीके के दो तीन तरह के ड्रॉ होते हैं, तो उसको बताने के लिए मेरे पार्टनर हैं राम अवधेश जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हम सभी को बताएं कि ड्रॉ करने में जो बहुत सारी गलतियां हैं उसको हम कैसे ठीक करें और हम कैसे अपने अच्छे ड्रॉ को पाएं, तो उसके बारे में हम सभी को बताएंगे। राम अवधेश जी बारे में जो सर ने बताया है कि तीन तरह के जो ड्रॉ बताए हैं उन्होंने, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो भी चीजें उन्होंने बोली है मैं भी थोड़ा बहुत उसी को रिपीट करना चाहूंगा कि जो उन्होंने स्टांस और जो प्री सेटअप या हुक और जो सेटअप का जो हमारा जो सेक्शन है उसको हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा ये ड्रॉ और एंकर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि जितना अच्छा हमारे पहले के स्टेप्स जो फंडामेंटल स्किल के जो पहले के स्टेप्स रहे हैं स्टांस में जो भी बॉडी बैलेंस से लेकर के बाकी चीजें हैं और अपने प्री ड्रॉ सेटअप के जो चीजें हैं कहाँ पर हमें अपना एल्बो रखना है, कहाँ से फोर्स लगाना है, वो इन्हीं सभी बातों पर हमारा जो है ड्रॉ का जो ये है वो निर्भर करता है कि पहले के स्टेप्स हमारे जितने अच्छे करेक्ट रहेंगे उतना ही अच्छा हम ड्रॉ कर पाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा ड्रॉइंग लाइन बन पाएगा। अब आते हैं कि इसमें जो मिस्टेक्स होते हैं क्या क्या फॉल्ट होते हैं और उसको करेक्शन कैसे किया जाए, तो कुछ एक जो नॉर्मल मिस्टेक्स है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो उन्होंने ड्रॉ बताए हैं उसी ड्रॉ में कुछ वही सारी चीजें तीनों तरह के जो ड्रॉ बताए हैं ड्रॉ में ओवर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक गैजेट के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, ये जैसे अभी सर ने जो ड्रॉ के बारे में बताया है स्ट्रेट ड्रॉ के बारे में बताया, इसमें क्या होता है कई बार बच्चे बहुत ही इनलाइन ड्रॉ करते हैं, एकदम क्लोज अंदर से एकदम सटा करके ड्रॉ करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, तो इसको सुधारने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये हो क्यों रहा है। जब भी अगर इनलाइन ड्रॉ हो रहा है बहुत ज्यादा अंदर से सटा के जब ड्रॉ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें जो है ये ड्रॉ बैक से नहीं हो रहा, आपके बैक मसल इसमें यूज नहीं हो रहे, इसमें आप रिस्ट अपना यूज कर रहे हैं, आप अपनी कलाई का पावर इसमें यूज कर रहे हैं, इसी वजह से ये इनलाइन बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ ड्रॉ हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लियरेंस है स्ट्रिंग क्लियरेंस है वो चीज सही नहीं जाएगा और आप देख सकते हैं कि रिस्ट जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है इसका मतलब रिस्ट यूज हो रहा है, तो ये आपको पहले भी बताया गया है इसका पोजीशन कैसे रखना है, हमें इसको एकदम फ्लैट होना चाहिए ना कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। जैसे ही अंदर की तरफ मुड़ेगा आपका ड्रॉ इनलाइन हो जाएगा, लाइन से अंदर की तरफ हो जाएगा जो कि सही नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। इसी तरह दूसरा एक मिस्टेक होता है कि कई बार जैसे ड्रॉ हम बहुत बाहर से लेकर के आ गए, आउटर ड्रॉ के बारे में अभी सर ने बताया, तो वो बहुत बाहर से ड्रॉ आ गया उसमें रिस्क भी निकल जाता है बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, और इसमें आप प्रॉपर बाहर का मसल्स बैक का मसल्स आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है कि कई बार हम ड्रॉ बहुत ऊपर से लेकर के आते हैं, तो ये क्यों होता है, ये इसीलिए होगा कि आपने जो पहले के स्टेप जैसे अभी बता रहे थे हमारे सत्यदेव जी कि आपने प्री ड्रॉ और सेटअप को सही से आपने उसको फॉलो नहीं किया है, सही से फॉलो नहीं किया है। इसमें क्या है कि जब सेटअप में हमें पता है कि हाँ हमें ये जो हमारा एल्बो है वो आई लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर ये ऊपर गया इसका मतलब कि ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। चौथा, कई बार बच्चे नीचे की तरफ से यूं करके ड्रॉ लग करके आते हैं, तो ये भी एक ड्रॉ में बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बच्चों को पावर शोल्डर्स में पावर स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कौन सा मसल्स यूज करना है, तो ध्यान रखिए कि ये नीचे से अगर ड्रॉ अगर हो रहा है इसका मतलब कि बच्चे ये अंदर के मसल्स को यूज कर रहे हैं ड्रॉ करने में खींचने में, तभी जो है ये अंदर के मसल्स यूज हो रहे हैं और ये ड्रॉ आपका नीचे की तरफ जा रहा, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये पीछे के मसल्स यूज हों। इन सभी चीजों में आपको जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जब भी ये चीजें आपकी गलतियां हो रही हैं तो आप पहले अपना बो पाउंडेज कम करके लाइटर बो में चले जाएं या रबड़ ले लें, इस तरह का कोई गैजेट ले लें जो कि हल्का हो, और फिर उसमें आप अपने कोच के मार्गदर्शन में
इस चीज को सही करें, लाइन को सही करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ड्रॉ हम कर रहे हैं हमें इसका आधार कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें एक्सिस और प्लेन को समझना होगा, जो कि बायोमैकेनिक के क्लास में पिछले हमारे जो संजीवा सर ने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि हमें किस एक्सिस पर और किस प्लेन पे हमें ड्रॉ करना है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस चीज को अगर आप प्रॉपर समझ करके प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये आपका मिस्टेक जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आप ड्रॉ लेकर के आ रहे हैं वो जितना आपके चिन्ह के पास आए या उसके लाइन में आए उतना अच्छा हो, उससे बहुत ज्यादा बाहर, ऊपर, अंदर या नीचे की तरफ ना हो। तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि चिन्ह, कि मुझे जब भी हम ड्रॉ लेकर के आए हम अपने चिन्ह के लाइन पे लेकर के आए, चिन्ह के लाइन पर लेकर के आए, उस लाइन पर लेकर के आए, वो एक्सिस है हमारा, हमें उसी एक्सिस पे अपने ड्रॉ को लेकर के आना है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और भी मिस्टेक्स होते हैं ड्रॉ करने के समय, तो मैं चाहूंगा कि हमारे माझी सर आ जाएं और वो उनके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कैसे कुछ गलतियां ड्रॉ के टाइम पे होती हैं। तो कई बार आप होता क्या है कि ड्रॉ करने के समय में बॉडी आगे की तरफ चला जाता है, आप देखेंगे ड्रॉ करने के समय में बॉडी आगे की तरफ जाता है। तो इसको पता करने के लिए आप इस माध्यम से इस रस्सी को लेकर के आप पकड़ करके पीछे से आप आर्चर को फील करा सकते हैं, आप प्रॉपर पता कर सकते हैं कि हाँ ड्रॉ करने के समय बॉडी आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और मिस्टेक होता है कि कई बार बॉडी जो है ड्रॉ करने के समय पीछे चला जाता है, तो इसको हम कैसे सुधारें, उसके लिए हमारे पास एक हम एक स्टिक लेकर के हम यहाँ रख करके आर्चर्स को फील करा सकते हैं कि अगर ये बॉडी पीछे जा रहा है तो वो बॉडी पीछे ना जाए। आर्चर्स अगर फील कर पा रहा है तो वो अपने इस गलती को सुधार सकता है बेहतर तरीके से। ये देखिए जैसे ही वो पीछे जाएगा उसे फील होगा कि हाँ ये पीछे की तरफ जा रहा है, और इस डंडे के माध्यम से, स्टिक के माध्यम से आप आर्चर्स को रियलाइज करा सकते हैं कि नहीं पीछे नहीं जाना है, आपको अपने ये में रखना है। ठीक है, दूसरा एक चीज है कि जब इस डंडे के माध्यम से थोड़ी फ्रंट में आती है, ये भी फील कर सकते हैं कि ड्रॉ के समय जब बॉडी आगे आ रहा है तो कैसे उसको हम कंट्रोल करें, थोड़ा सा स्टिक का, और आर्चर्स को पता चल जाएगा कि हाँ ड्रॉ के टाइम में मेरा बॉडी आगे की तरफ झुक रहा है या जा रहा है। तो इस वजह से इसके माध्यम से हम इस चीज को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ गलतियां थी जो कि मैंने बताना चाह रहा था। तीसरा है, इसके अलावा जो है कि आपका जो एक्सिस और प्लेन जो मैंने बताया है उसमें जो बॉडी का जो मूवमेंट है और जो एक्सिस प्लेन समझना है, उसके लिए आप मिरर का प्रयोग करें, फ्रंट मिरर का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको क्लियर पता चलेगा। जब आप ड्रॉ करेंगे आप अपने आप को देख पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि हाँ जब ड्रॉ करने के समय मेरा बॉडी का पोस्चर क्या चेंज हो रहा है या सही है, उसमें आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपनी गलतियों को और उसको सुधार पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मिरर का यूज बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए और ये सही कर सकते हैं आप। इसके बाद अब जो है इसमें शोल्डर्स और नेक के पोजिशन, हेड के पोजिशन के बारे में आपको माझी सर अच्छे तरीके से समझाएंगे। जी हाँ, हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं श्री आचार्य वेद कुमार जी, जो कि इंडिया के बहुत बड़े नामी ग्रामी प्लेयर रह चुके हैं और बहुत अच्छे कोच हैं। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि इस ड्रॉ के बारे में वो अपने कुछ इनपुट्स हमें दें, जिससे हम आपके बीच में और बेहतर तरीके से इस ड्रॉ को समझ पाए और रख पाए। श्री वेद कुमार जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। क्या क्या बारीकियां हैं, जो कुछ हमसे छूट गया हो या आप अपना और कोई इनपुट इसमें ऐड करना चाहते हो तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा।
मैं आज एक विशेष दिन है तो उसके लिए जो है सभी दर्शकों को सभी इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और इसके आज जो है जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन इसके लिए भी जो है आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे जो है काफी जी थोड़ा सा नजदीक आकर के बोलेंगे, आवाज थोड़ी कम आ रही है। जो है आप अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अभी आ रही है। अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है मेरी आवाज सुन पा। अच्छा ठीक ठीक जी जी आपकी आवाज आ रही है। अभी जो आपकी जो ओके ओके अभी जो ओके बारे में जो आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अभी सत्यदेव जी ने जानकारी दी और अभी रामदेश जी इसके बारे में जो है अपना जानकारी दे रहे थे, तो इस संबंध में मैं थोड़ा सा और ये कहना चाहूंगा कि जैसे अपना किसी का क्वेश्चन आया था कि इसमें ड्रॉ जो है मतलब किस तरीके से जो है वो करना चाहिए, मतलब कौन सा जो ऐसा ड्रॉ है जो कि हमें करना चाहिए, जो कि सत्यदिन के लिए प्रश्न आया हुआ था। तो मैं इसमें जो है कि अपना विचार ये रखना चाहूंगा कि आप सभी का जो है अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और उसके हाथों की बनावट और उसके उसकी नेक उसकी जो है हर चीज की बनावट जो अलग, लेकिन तब भी शोल्डर के माध्यम से ये सब चीजें जो आती है ड्रॉ करता है चीन के नीचे से ही जो है सामने से पिक्चर में आप एंकर उस पोजीशन आप जो है बाद में जब आपकी परफेक्ट होती मुझे लगता है कि वेद जी के यहाँ कुछ इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से हम उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद उनको दोबारा से ज्वाइन कराएंगे। उनका कहने का जो जितना हमने सुना उनका कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे आर्चर्स का हाथों का डिजाइन अलग होता है, शोल्डर का पोजिशन अलग होता है, नेक का पोजिशन अलग होता है, तो वो सारी चीजों को देख करके जो है कोचेस और प्लेयर्स ये डिसाइड करें कि उनके लिए ड्रॉ कौन सा अच्छा है। जी हाँ वेद जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी हाँ अभी आवाज आ रही है। जी 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 बताइए बताइए। आपको बता रहा था कि जो है जो हम जो ड्रॉ करते हैं करने के बाद अब अपने पोस्टर जो है उसको ड्रॉ की फीलिंग को आप जहाँ बेहतर समझते हैं वो हमें करना चाहिए जो ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद में हमारा ड्रॉ जो है सही कहाँ पर बैठ रहा है, उसका सही पॉइंट कहाँ पर है, ये अब जो है अपनी आपको नहीं होनी चाहिए कि मेरा ड्रॉ जो है ओवर हो गया है या आपका ड्रॉ थोड़ा शॉर्ट रह गया, किसी भी सामने जी हाँ। तो जैसा कि वेद जी ने बताया कि भाई कोच एक्सपर्ट हो तो उसकी सलाह ले लेना इन सब मामलों में काफी बेहतर है। तो इस प्रोग्राम को जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि ड्रॉ कितने तरीके का होता है, राम मोहन जी ने आपको बताया कि ड्रॉ
करने में क्या क्या गलतियां होती हैं। अब मैं माझी सवैया जो हमारे ओलंपियन हैं और सारी सोनीपत में कोच भी हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो हमें बताएं कि ड्रॉ करने के समय जो हमारा जो दोनों शोल्डर में क्या क्या गलतियां होती हैं और हाथों में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम फेस करते हैं, और नेक के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्रॉ करने के समय में, वो उन चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें माझी सवैया जी। सभी कोचेस, मेरे सीनियर कोचेसों का नमस्कार। तो आज हम लोग ड्रॉ के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक्स होती है शोल्डर और बो हैंड्स और नेक्स में, तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स क्या होती है, तो उसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा बात करूंगा। तो सबसे पहले जो नया प्लेयर्स आते हैं तो उनको उसका फीलिंग्स दिलाना सबसे जरूरी है, और उसका पोजीशन, बॉडी पोजीशन, आपका हेड पोजीशन, नेक पोजीशन कैसे रहेगा, तो उसमें वो पोजीशन जहां आपका गड़बड़ होता है या फीलिंग नहीं होता है तो वो आप उस चीज को प्रॉपरली कर नहीं सकते हैं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फीलिंग्स, बॉडी पोजिशंस और नेक हेड का पोजिशंस, आपका एक सीध में इतना एंगल्स में कैसे डायरेक्शन में, तो वो चीज सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो ड्रॉ के टाइम में बहुत कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं प्लेयर्स, तो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके उठाते समय शोल्डर उठ जाता है। शोल्डर उठता क्यों है, तो बो का जो वेट है आप शोल्डर के ऊपर रख दिया पहले उठाने से ही, तो आपका नॉर्मली शोल्डर उठ गया उसी में, तो इसको शोल्डर शुड बी रिलैक्स रखना आपको। शोल्डर रिलैक्स करके प्री ड्रॉ में आगे हल्का सा फुस करते हुए टूवर्ड द फोर्स आपको सामने की तरफ देना है, तो ये शोल्डर खुलेगा आपका। यदि उसमें नहीं देते हैं, डायरेक्ट उठाते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो वेट है, उठाने का वेट है, बो का वेट है, तो वो शोल्डर पे आ जाता है, तो शोल्डर पे आने से क्या होता है आपका उठ जाता है, शोल्डर उठ गया ऐसे, तो नेक एक क्या हो गया, नेक से सट गया आपका शोल्डर। तो उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको चेक करिए, ये चेक करके इसको, ये चीज है, या आप नॉर्मली हाथ रख लीजिए, तो हाथ रखने से क्या होता है कि आपका ये उठ रहा है तो ये आपका पेसिंग इधर लग रहा है हाथ, या इधर का शोल्डर ड्रॉ करते हैं, कोई कोई लोग, बहुत सारे लोग ड्रॉ करते समय क्या करते हैं कि ये आपका ये शोल्डर है, ये नेक और हेड से सटा देते हैं, ऐसे सटा के ड्रॉ करते हैं ये, तो ये चीज एक मिस्टेक होता है ड्रॉ करने के टाइम पे। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी होगी कि इसका स्पेस, शोल्डर और नेक का स्पेस जितना रहेगा तो उतना आपको कंफर्टेबली होगा, ड्रॉ इजी होगा। अब पहले से सटा देंगे तो क्या हो गया, स्टिफ हो गया आपका मसल्स, जो ट्रेपीजियस मसल है, जो भी शोल्डर्स की मसल्स है या बैक मसल्स, अब उसको स्टिफ कर दिए, स्क्विच कर दिए, तो फिर ड्रॉ के बाद वो चीज आपका नहीं खुलेगा। तो इसको ड्रॉ के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि ये ओपन हो, शोल्डर दोनों ओपन हो। तो और एक चीज उसमें और एक क्या आती है कि आपका पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बो हैंड रोटेट कैसे रोटेट होगा और क्लियरेंस, तो बहुत सारे लोग कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ग्रिप में मिस्टेक करते हैं। ग्रिप का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रिप कैसे पकड़ना है, तो नया जो बिगनर्स अर्चर आते हैं तो ग्रिप पकड़ने का तरीका जो उसका गलत होने के कारण से ये का बो हैंड का जो क्लियरेंस है वो नहीं हो पाता है। तो आप लोग देख रहे हैं, देखिए बो हैंड थोड़ा सा आप लोगों को नजदीक से दिखाना चाहूंगा, बो हैंड क्लियर नहीं होता है, बो हैंड सही तरीके से मतलब ग्रिप नहीं पकड़ने के कारण से बो हैंड क्लियर नहीं होता है, तो ये इसका ये देखिए आपको एंगल नहीं बन रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले वो ग्रिप, जहां आप सेटअप का बात कर चुके हैं हम लोग कैसे क्या करना है, कैसे वो करना है, तो सेटअप में सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको ग्रिप और अब जो उठाने का है, उठाने का डायरेक्शन और उसका बैलेंस उसको बराबर चेक करना है आपको। तो उसको जो आप नहीं करते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम्स आती है बो हैंड में, फिर शोल्डर ड्रॉइंग हैंड में,
तो हो सकता है वो बहुत सारे सत्यो जी ने जैसे बात की है कि तीन तरह का ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो वो तीन तरह का ड्रॉ में मतलब वही चीज प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि वो इनलाइन ड्रॉ बोल रहे थे, लिनियर ड्रॉ, लिनियर ड्रॉ में राम सर भी एक्सप्लेन किए हैं कि हम लोग अंदर की तरफ से ड्रॉ करते हैं, तो उस समय में क्या प्रॉब्लम्स आती है आर्चर्स के साथ में जब इनलाइन ड्रॉ होता है, तो इनलाइन ड्रॉ में क्या होता है, इस शोल्डर आपका जो ये शोल्डर है ये भी सामने की तरफ आता है, ये इनलाइन इनलाइन ड्रॉ होता है तो ये शोल्डर क्या होगी आपका, ये सामने की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इसमें क्या है क्लियरेंस के लिए ये इसमें टच होने का चांस रहता है, इसमें टच होगा आपका शोल्डर। और एक आउटर ड्रॉ बोला कि आप एक जो लाइन है उस लाइन से आउटर में ड्रॉ करने से क्या प्रॉब्लम्स होती है, आपका ये जो ड्रॉ है फिर ये खुल नहीं रहा है, ये सिकुड़ रहा है आपका बॉडी, आउटर से ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ सट गया, ये लाइनिंग नहीं बन रहा है आपका, तो इसीलिए उस लाइनिंग में उन एक्सेस का जो बात की तरह आंसर, तो उसी लाइनिंग में आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ का, तो उस समय ध्यान देने वाली बात है कि उसी लाइन में आपको ड्रॉ करना है, जो दो तरह का जो ड्रॉ बताया है, और ड्रॉ के टाइम पे और एक चीज क्या होता है कि स्पीड, हम लोग बहुत सारे नया आर्चर्स क्या करते हैं कि स्पीड ड्रॉ उठाया, स्पीड बोर्ड स्पीड ड्रॉ कर लिया या स्लो ड्रॉ कर लिया, तो एक ड्रॉ भी एक बैलेंस और एक रिदम में होना चाहिए, आपका बैलेंस और रिदम में किस टाइम में करना है, जैसे कि आपने सेटअप किया, सेटअप से जो आपका आता है एंकर से इस जगह का जो बैलेंस और रिदम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस जगह में आपका बैलेंस और रिदम नहीं बनेगा तो एंकर सही नहीं होगा, फिर आपका ट्रांसफर और होल्डिंग वगैरह में बहुत सारे उधर बात करेंगे हम लोग, बाद में टॉपिक आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उस चीज में फिर प्रॉब्लम्स आती है, आप मतलब ड्रॉ स्पीड बहुत स्लो कर दिए या बहुत फास्ट कर दिए, या उसमें भी मतलब आपका एंकर और वो जो कनेक्टिंग है वो नहीं बन पाता है, तो उस कारण से आपका जो फिनिशिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, वो चीज उधर बात करेंगे हम लोग, तो अभी ड्रॉ तक ही बात कर रहे हैं तो हम लोग ड्रॉ तक ही बात करेंगे, तो इसीलिए ड्रॉ पे क्या क्या ध्यान देने वाली, ड्रॉ में क्या शोल्डर जो घुसता है उसका भी एक और एक रीजन है कि आप जहां तक आपका प्लेसमेंट बो हैंड का, तो वहां तक नहीं जाके आपका उससे पहले ही हो रहा है, जैसे जहां तक आपको मान लो यहां तक आपका ओ है, बो हैंड का प्लेसमेंट जाना चाहिए आपका, फुस जाना चाहिए, तो वहां तक नहीं जा रहा, उससे पहले ही आपका जा रहा है तो बो हैंड उठेगा, तो इसलिए उसको प्लेसमेंट बराबर देना चाहिए, उसको पूरा देंगे तो आपका बो का शोल्डर शोल्डर भी ये खुल रहा है, बो हैंड का शोल्डर, तो उसमें क्या है शोल्डर खुल रहा है तो ईजी आपका ओपनली शोल्डर हो रहा है ये, तो इसमें कोई चांस नहीं रहेगा कि आपका बो हैंड घुसेगा या अंदर होगा, नेक नेक पोजीशन का, नेक पोजीशन में क्या है बहुत सारे लोग कभी ऐसे करके ड्रॉ करते हैं या कभी वो ऐसे करते हैं पीछे की तरफ, इसमें क्या होता है जहां पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे आप उसमें क्या होगा आपका ओवर ड्रॉ होगा, पीछे की नेक अब जहां पीछे ऐसे सेट करेंगे तो ओवर ड्रॉ होगा, फिर उसमें और लोग क्या करते हैं ड्रॉ के टाइम पे नेक का जो मूवमेंट है वो आगे कर देते हैं, मैचिंग करते हैं मैचिंग ड्रॉ, तो उसमें क्या होगा आपका शॉर्ट ड्रॉ हो गया, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि ओवर ड्रॉ और कम ड्रॉ और एक्चुअल ड्रॉ क्या है, तो उस चीज हम लोग समझेंगे नेक्स्ट, अभी उसमें डेमो हम लोग करेंगे कि कैसे ओवर ड्रॉ होगा, कैसे उसका एक्सिस बनेगा, तो हम लोग टीम जो आएंगी उसे समझेंगे। फिच हैंड जी हाँ, बहुत अच्छे और सरल शब्दों में आपने चीजों को समझाया, और ड्रो में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, तो मैं थोड़ा सा और इसको अपने शब्दों में और एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमको समझने का है कि हम स्ट्रिंग को चिन के नीचे लेके आएंगे ना कि चिन को स्ट्रिंग के नजदीक लेके जाना है। मैंने आपको बताया था प्री ड्रॉ और सेटअप में कि सिर केवल एक्सिस का काम करेगा, सिर्फ ये ऐसे घूमेगा आगे पीछे, ऐसे मूव नहीं करेगा, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आपका नेक मूवमेंट होगा तो रिलीज के टाइम में भी झटका लगेगा, नेक में स्टिफनेस आएगी, बीच में है वो कभी नहीं मिलेगा, तो चीजें बहुत सारी हैं, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। माझी जी ने काफी
ड्रॉ का जो बायोमेट्रिकल एंगल बनता है उस एंगल के बारे में हम थोड़ा सा आपको लाइव दिखाएंगे। तो मैं माजी सवैया से कहूंगा कि वो अपना गैजेट लेकर यहाँ पर आए और कैमरा टू को जरा फोकस किया जाए, तो हम थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाएंगे कि ड्रॉ को कैसे किया जा सकता है और कैसे हो सकता है। जी रामोदय जी आइए। तो लाइन और अलाइनमेंट कैसा रहेगा वो आपको हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बायोमैकेनिकली कैसा रहेगा। जब आप ड्रॉ करेंगे सर आपकी जरूरत पड़ेगी, आप जरा यहाँ पीछे आ जाए, यहाँ सामने आ जाए जरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछले भी अभी हमने दिखाया था कि ये एंगल कम से कम आपका ये एंगल बनना चाहिए, जितना ये एंगल कम से कम रहेगा उतना आपका अलाइनमेंट बो का जो जो गन बैरल है वो आपका इतना अच्छा तैयार होगा, साथ ही आपका जो ड्रॉ फोर्स है वो बहुत ही प्रॉपर रहेगा, तो ये एंगल कम होना चाहिए। इसके साथ साथ हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं कि जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, और जैसे ही ये ड्रॉ करेंगे ये एंगल जो है यहाँ पर ये पूरा 180 डिग्री हो जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। जब ये स्ट्रेट एकदम हो गया तब आप समझें कि आपका जो है ये एक्चुअल ड्रॉ है। इसके बाद से जब भी ये ड्रॉ अगर यहाँ पर एंगल ये बढ़ा 180 डिग्री से अगर ये बढ़ता है तो आप समझिए कि ये आपका ओवर ड्रॉ हो रहा है, और अगर इससे कम होता है तो आप समझिए कि आपका शॉर्ट ड्रॉ होता है, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके शोल्डर ब्लेड्स अंदर घुसेंगे, उससे अलाइनमेंट आपका सही नहीं होगा, आपका ड्रॉइंग एल्बो है वो सामने की तरफ आएगा और आपका ड्रॉ फोर्स कभी भी करेक्ट नहीं होगा। तो आपको इस चीज का बहुत ही खासा ध्यान में रखना है कि आपका जो ड्रॉ लाइन है और एल्बो लाइन है उसके बीच में यहाँ पर कोई एंगल आपका जो भी रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा, उससे ना कम ना बेसी। अगर 180 डिग्री बनता है तो ये आपका अलाइनमेंट पूरा एकदम सही होता है और इसी पोजीशन पे आपका एक्चुअल ड्रॉ होता है। इससे अगर ज्यादा होता है तो ओवर ड्रॉ हो गया, और कम अगर हुआ तो ये आपका शॉर्ट ड्रॉ हो गया। तो इस चीज का आप ध्यान में रखें और इस चीज को आप मेजर कर सकते हैं इस गैजेट के वजह से, इस स्टिक की मदद से आप अपने ऊपर ट्राई करके इस चीज का पता कर सकते हैं। जी एक वीडियो के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे, जो आपने देखा होगा हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी संजीवा सिंह ने जो डेवलपमेंट की लास्ट क्लास ली थी, लास्ट क्लास में उन्होंने एक कंप्यूटराइज वीडियो हम सभी को दिखाया था। तो हम अगर उस वीडियो को भी देखेंगे, उस वीडियो में भी यही सारी चीजें अच्छे से दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को प्ले किया जाए, हम सभी उसको देखें एक बार। Proper angle of the bow arm, drawing arm and shoulder is important for success of archery. Angle A is the angle between bow arm and the arrow line. Angle B is the angle between bow arm and the shoulder. And angle C is the angle between draw arm and the arrow line. So here you can see, ideally when you get into the C becomes zero, that means the arrow line and the drawing line are both in the same axis and the same straight line. But generally what archers do is they push their neck slightly backward, as a result of which while they may get zero, but then the clicker control is lost. So therefore, in order to get a proper clicker control, it is advisable that you try to make the rotation of the elbow in such a way that you finally get angle C as zero. That means the arrow line as well as the bow line gets aligned. But what is important is to get the angle B, which is the shoulder line and the bow arm line, into a barrel of the gun position. That is a very ideal position, and similarly, getting the elbow also into the perfect alignment gives you a perfect zero angle at C. What is left is angle A, and that angle A can be minimized to ensure elbow clearance so that you get a perfect stable position for a perfect execution of the shot. And here you can see this is a perfect alignment to get the perfect shot into the X. जी हाँ, वीडियो आपने देखा, जो चीज हम मैन्युअली दिखाना चाह रहे थे वही संजीवा सिंह ने कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया समझाया। तो ये चीजें ड्रॉ में हमको समझना बहुत जरूरी है,
कि कोई चीज अगर हम राइट डायरेक्शन में राइट प्लेन एक्सिस की मदद से राइट डिग्री एंगल की मदद से अगर हम करें तो कम एनर्जी कम खर्च में हम बड़ा चीज बड़ा रिजल्ट और बड़ा स्कोर हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रॉ का पोजीशन। अब हम चलते हैं जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है एंकर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंकर वर्ड कहां से आया। एंकर वर्ड आया है जो बड़े बड़े शिप पानी के जहाज जो समुद्र में चलते हैं तो उसमें जो लंगर गिराया जाता है उसको एंकर बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है जब वो शिप में कोई तूफान वगैरह आता है तो उस लंगर को समुद्र में गिरा दिया जाता है कि जिससे जहाज पूरा स्टेबल बना रहे हिले नहीं। तो वो वर्ड आर्चरी के लिए वहां से उठा करके इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज हमने यहाँ बैठा दी है तो वो अपने जगह से हिलेगा नहीं, वो फिक्स हो जाएगा, एंकर में कोई मूवमेंट नहीं होगा। उसका वर्ड वहां से लेने का मकसद यही है। अब मैं आऊंगा कि एंकर कितने तरह का होता है। एंकर दो तरीके से सेंटर एंकर जो कि उसी तरीके से एंकर भी है। एंकर जो पहले किया जाता था सेंटर एंकर, ये जो आप देख रहे हैं चिन के बीच में हल्का सा गड्ढा है इसके बीच में स्ट्रिंग को रखा जाता था, नाक के बीच में स्ट्रिंग को रखा जाता था, उसको हम एंकर बोलते थे। लेकिन आज के परिस्थिति में अगर हम कहें कि एंकर कैसा होता है, जरा मुझे पेन दीजिए। आज की परिस्थिति में अगर हम कहें कि एंकर कैसा होता है तो ये हल्का सा ऐसे साइड में होता है। जो ये आपका हड्डी है, ये हड्डी के ऊपर से स्ट्रिंग आकर के जाएगी तो हमारा एंकर बनेगा। इसके अंदर में इसमें क्या है कि हमारा जो अभी हमने एंगल दिखाया है आपको, ये एंगल अच्छे तरीके से एकदम मैच करेगा कि हमारा एल्बो एंकर और पूरा जो राइट साइड स्प्रिंग हैंड का एल्बो है पूरा एक लाइन में हो। जो अभी रामोदेश जी ने आपको अच्छे से समझाया मैनुअली, जो संजीवा सिंह जी ने आपको अच्छे से दिखाया, वो इसमें काफी बेटर मिले हैं। तो हम सेंटर एंकर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत पुराना टेक्निक है, तो उसमें ना जाकर के हम जो साइड एंकर है हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम एंकर कैसे पता करें कि हमारा एंकर कहाँ होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आर्चर नया नया आता है हम उसको कैसे सिखाएंगे कि एंकर कैसे होता है। जो कि पूरे वर्ल्ड में आर्चरी की जानकारी वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से दे रहे हैं तो ये भी उन्हीं का एक बताया हुआ टेक्निक्स है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सिंपली है कि आप स्टांस की पोजीशन लेके खड़े हो जाइए, फेस नेक शोल्डर पोजीशन सब कुछ अपने जगह पे, और एक एरो ले लीजिए या पेन किसी के माध्यम से ले लीजिए और इसको ऐसे करके कर लीजिए और इसको ऐसे सामने लेकर के आइए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक का पोजीशन जब आप ड्रॉ या एक्सटेंड करेंगे तो लगभग 60 डिग्री में टू वर्ड द टारगेट होगा, तो आप अपने नेक को 60 डिग्री में लेके जाइए और इसको ऐसे करके बेंड कर दीजिए। तो ये पोजीशन वही निकल के आएगी कि आपका स्ट्रिंग यहाँ पे होगा और नोज के सेंटर में होगा। इसको समझने के लिए आप अपने कोच या अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि वो एक मार्कर से निशान लगा लें या एक सफेद रंग की जो चोट लगने पे डॉक्टर बेंड टेप जिसको कहते हैं वो यहाँ पे चिपका करके आप मिरर में या वीडियो बना करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये एक रेफरेंस पॉइंट है, फिक्स नहीं है, आप इसको फिक्स बिल्कुल मत मानिए। जब आप डे टू डे के मसल्स आपके बॉडी पोस्चर के हिसाब से वो एंकर पॉइंट आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन हमारा एंकर का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि
कि अगर हमने कोई चीज बैठा ली है तो फिर उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात और आती है कि एंकर बैठना कहाँ चाहिए। ये जो आपकी हड्डी है, ये जो आपकी हड्डी है, इस हड्डी के बिल्कुल ठीक नीचे ऐसे करके बैठना चाहिए। ये सोचिए कि ये आपका चिन है, चिन की हड्डी है, और ये आपका फिंगर है। ये बिल्कुल ऐसे करके बैठना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगर आप ऊपर बैठा रहे हैं तो वो परफेक्ट नहीं है और उसमें मूवमेंट होने के ज्यादा चांस है। लेकिन अगर आप इसको हड्डी के यहाँ पे बैठा रहे हैं तो ये चीजें काफी फ्लैट रहेंगी और ये पूरा एकदम सीधा रहेगा। जैसा कि हमने आपको एक्सटेंडिंग एंड टाइम में बताया था कि जब आप उठाएंगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। तो ड्रॉ करने के समय में भी ये चीजें बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। ये लीवर का काम करेगा। ये आप सोच लो, आप ये सोच लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। आप ये सोचो कि इस बीच में कोई ज्वाइंट है ही नहीं, सिंगल हड्डी है। उस हिसाब से आप फंक्शन करोगे तब तो आपको ज्यादा इस्तेमाल होगा। बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको हुकिंग में बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग को, अगर आप रिस्ट को ट्विस्ट कर रहे हो अंदर या बाहर, दैट मींस कि आप स्ट्रिंग को भी ट्विस्ट कर रहे हो। अगर आप ट्विस्ट स्ट्रिंग में रिलीज करोगे तो भगवान ही भरोसे है कि वो कहां जाएगा। तो ये छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होगी। और इसमें एंकर करने के बाद आपका एल्बो का पोजिशन क्या होगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। एंकर राइट एल्बो का पोजीशन एंकर करने के बाद क्या होना चाहिए, ये साउथ कोरिया का रिसर्च है। जो बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे कोचेस जो कोरिया में जाके दो दो तीन तीन छह छह महीने की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, मैंने भी उन्हीं से ही सीखा है। क्योंकि मुझे भी कभी ऐसा ट्रेनिंग लेने का फॉरेन में मौका नहीं मिला, तो मैं उनसे सीखा। मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपने ये एंकर कर लिया, एंकर करने के बाद जो आपका एरो लाइन है, एरो लाइन और ये एल्बो लाइन, आपका एल्बो तो ऊपर हो गया एरो लाइन से, तो ये जो लगभग 6 डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का जो एंगल बनता है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन आप शूटिंग करते हुए या आपका कोच या आपका पार्टनर शूटिंग करते हुए कैसे पता करेगा कि 6 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, उसका पता करने का बहुत छोटा सा तरीका है कि जब आप एंकर कर लें तो एंकर करने के बाद जो है आपकी पोजीशन है ये इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जैसे आपने एंकर कर लिया, एंकर करने के बाद आपकी जो ये पोजीशन है, ये इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए और इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आप इस रेंज के अंदर में ये आपने एंकर किया, अगर आप जैसे हम कोचिंग फील्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर ऐसे बहुत सारा ऊपर उठा लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप ही जहां पे बैठे आप यूज ही नहीं होगा, और अगर आप बहुत नीचे करेंगे तब भी बैक मसल्स का कोई यूज नहीं होगा। तो एक सर्टेन लेवल है, उस लेवल पे अगर आप मेंटेन करेंगे हॉरिजॉन्टल में तो आपका बैक मसल काफी अच्छे को ध्यान में रखना होगा भाई। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि आपका सिर एक्सिस की तरह काम करेगा। कहना चाहूंगा कि जैसे फोटो लिया जाता है तो उनका फोटो बहुत सुंदर आता है। बहुत सारे आर्चर हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है, बहुत सारी टेंशन रहती है, और स्ट्रिंग से नोट को बहुत ज्यादा दबा देते हैं। तो जो भगवान ने बनाया है उसको स्ट्रिंग से बिल्कुल भी मत खराब करिए। नेचुरल पोजीशन को आप अगर प्रिफर करेंगे तो वही आपके लिए इजी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको ड्रो के टाइम में ब्रीदिंग का पोजिशन बताया, एंकर में ब्रीदिंग का क्या पोजीशन हो। जैसे मान लीजिए नॉर्मल ब्रीथ चल रहा है, आपने उठाया नॉर्मल ब्रीथ, आपने अंदर ले लिया,
जो आपने किया लगभग 10% ब्रिज आपने निकाल दिया, जैसे आपका एंकर बैठ जाएगा ब्रिज स्टॉप, आपके अंदर इतनी ब्रीदिंग है कि आप 3 से 5 सेकंड आराम से होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीदिंग का पैटर्न बता दूं कि जैसे आपने स्टांस लिया, आपका नॉर्मल ब्रीथ चल रहा है, आपने एरो लगाया, नॉर्मल ब्रीथ चल रहा है, आपने एक्सटेंड किया, नॉर्मल ब्रीथ को आपने अंदर ले लिया, जैसे आपने ब्रो स्टार्ट किया नॉर्मल ब्रीथ का 10% आपने बाहर निकाल दिया, आके पूरा बैठ गया, उसके बाद ब्रीदिंग स्टॉप, उसके बाद आपको ब्रीदिंग के बारे में कुछ सोचने का, हलचल लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 5 सेकंड मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपके लिए ना तो टाइमिंग रहेगी और ना लेने की जरूरत है। मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं, एंकर में बहुत सारे लोग किसर बटन का इस्तेमाल करते हैं, किसर बटन उसको बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट, जैसे बहुत सारे लोगों का फीलिंग नहीं आती है कि लिप में स्ट्रिंग टच हुआ कि नहीं हुआ, या नोज में टच हुआ कि नहीं हुआ, या हेड एंगल उनको पता नहीं चलता है, तो हेड एंगल को ठीक करने के लिए हम किसर या नोजर लगाते हैं। तो हम एज पर वर्ड आर्चरी रूल हम केवल एक ही रिफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, चाहे वो लिप वाला ले लें जिसको हम किसर बटन बोलते हैं, चाहे वो नोज वाला ले ले जिसको हम नोजर बोलते हैं, लेकिन दोनों को हम एक साथ नहीं ले सकते। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि एंकर में जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा नोकिंग पॉइंट के अलावा एक और छोटा सा डिवाइस नोकिंग पॉइंट से कोई 2-2.5 इंच ऊपर बहुत सारे आर्चर्स लगाते हैं, तो वो होता है किसर बटन जो कि लिप के बीच में आता है, और एक होता है नोजर जो कि रिफरेंस पॉइंट के लिए भाई हेड एंगल को लेफ्ट राइट या अप डाउन को बार बार नए आर्चर को खास तौर से सिखाने कराने के लिए किया जाता है। तो आपको एट ए टाइम केवल एक ही लगा सकते हैं, चाहे वो आप लिप वाला लगा लें, चाहे आप नोज वाला लगा लें, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। हाँ, प्रैक्टिस में चीजों को करने समझने के लिए आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी टूर्नामेंट में आपको एक ही लगाने के लिए अलाउ होगा एज पर वर्ल्ड आर्चरी रूल्स। तो जितने भी प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें कि इन सब चीजों के लिए जो है काफी सेंसिटिव हो जाती है कई बार कि भाई हमें पता नहीं था, या कोच को पता नहीं था, या प्लेयर्स को पता नहीं था, तो टूर्नामेंट में जाके काफी डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। तो इसमें हमको ड्रॉ में खास तौर से ध्यान रखना है, और एंकर में खास तौर से ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉडी का पोजिशन होगा लगभग 30 डिग्री के आसपास होगा, लगभग 50 डिग्री के आसपास होगा, और आई का जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली आपको 90 डिग्री पे रखना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से एमिंग को कर पाएंगे। तो ये सारी मैं सुनील जी से कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच वेद कुमार जी हैं जो कि एक्सपर्ट पैनल है, जो थोड़ी देर पहले किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हमसे जुड़ नहीं पाए, तो अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो हम सभी को थोड़ा सा एंकर के बारे में भी गाइड करें कि वो अपने हाँ, सत्यदेव जी मेरी आवाज आ रही है आपको भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अभी जो ये दो टॉपिक जो चल रहे हैं इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, जो आप बता रहे थे कि ड्रॉ और अपना एंकर, तो एंकर में मैं एक पॉइंट और इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि कोई भी बच्चा जब एंकर करता है, वो चाहे कोई भी हो, छोटा भी है या बड़ा है, तो एंकर करने में जब उसकी अपनी, जैसे आपने ये बताया कि जो है एल्बो की सिचुएशन जो है मतलब कान के एक लेवल में मतलब वो रहनी चाहिए, ना ज्यादा डाउन ना ज्यादा ऊपर, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि आपकी जो फिंगर हुकिंग है वो आपके जो है सही एक लाइनिंग बनाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है। आपने स्ट्रिंग को किस तरीके से हुक किया है वो आपका एंगल जो है वो उसी हिसाब से आपकी ये जो फिंगर की जो पकड़ने की
जो स्थिति है, जो तरीका है इसका, वो उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हमेशा आप जो है फिंगर जब आप स्ट्रिंग में डालते हैं तो वो आपके जो है एक सही दिशा में होनी चाहिए। आपने तो इस तरीके से पकड़ा है तो उसको सीधे रूप में पकड़ें। आपका जितना ये नीचे वाला फिंगर जितना स्लिप होता जाएगा, आपका एल्बो जो है उतना ऊपर उठता जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यदि जरूरत से ज्यादा होता है तो आप इस पर भी विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपका ड्रॉ अच्छा हो सके। और जब आपका ड्रॉ अच्छा है, एक लाइन में जब आपका ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपकी फिनिशिंग भी जो है उतनी ही बेहतर होगी। जब आपकी फिनिशिंग, जब आपको अंदर से फीलिंग एक मतलब सिंगल पावर की जब फीलिंग आएगी, तो आप समझे कि आपका ड्रॉ और आपकी जो पावर जो लगी है वो बहुत ही बेहतर लगती है। और दूसरा जो ड्रॉ करने के लिए जो लाइनिंग जो बता रहे हैं, इसमें जो है आपको रामदेव जी बता रहे थे कि जो है आप इन साइड में जैसे ये इसका आप प्रेशर बनाते हैं या रिस्ट प्रेशर डाल देते हैं तो वो इन हो जाता है और इसको रिलैक्स रखना ये जरूरी है। ये भी जो है काफी जनरल मतलब जो गलतियां रहती हैं आर्थर जो स्टिफनेस में या डर की वजह से जो इसको रिलैक्स नहीं करता, वो सोचता है कि मैं इसको रिलैक्स करूंगा ये मेरी फिंगर रिलैक्स हो जाएंगी, इसकी वजह से मेरी स्ट्रिंग जो है वो बीच में टारगेट को सामने देखते हुए लगता है कभी छूट ना जाए, कभी छूट ना जाए। तो ये चीजें जो है मतलब आप प्रैक्टिस में उसको आप फॉलो करें तो ये जो है ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ हो सकता है कि आपके लिए ये ड्रॉ की स्टार्टिंग से होकर के ये यहाँ पर आपका थोड़ा सा ट्विस्ट होकर के आए, लेकिन जब आपका ड्रॉ करने का जब टाइम आएगा तो ये पूरा एंकर जो है ये यहाँ से मान लो इधर से आ रहा है तो ये सीधा होते होते ये एंकर पर आते हुए तो पूरा सीधा हो जाएगा। तो इस चीज के लिए जो है आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो लाइनिंग बननी है तो रिस्ट जो है उसमें बहुत ही अहम रोल निभाती है। और एक चीज और सत्यदेव जी बता रहे थे कि जब आप किसी का जैसे वो आप कंपटीशन में देखते हैं या कभी भी ड्रॉ किया हुआ देखते हैं तो वो जो है काफी वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट होने में जो है एक अहम भूमिका होती है उसके ग्रिप की। यदि आपका ग्रिप सही सेटल नहीं है, आपने अप किया है या आपका हाई ग्रिप आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपने हाई ग्रिप बना लिया है, क्योंकि हर एक के हाथ की बनावट अलग अलग है, तो मैं इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अपना ग्रिप जो है आप अपने बो सेटअप के हिसाब से जो है उसको थोड़ा सा उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन देखा देखी नहीं, आप अपने कोच से कंसल्ट करके कि जो है आप दिखा करके कि हाँ मेरा जो है ग्रिप इस तरीके का है और इस चीज में जो है मुझे परेशानी हो रही है, आप उनके साथ जो है बातचीत करके उसको क्लियर कर सकते हैं उस चीज। तो अपनी फीलिंग जो है आर्चर को अपने कोच को बताना ये बहुत जरूरी है, जो आपके अंदर जो आप जो है कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं वो बताना जरूरी है, बजाय उसके कि आप स्वयं उसको जो है एक्सपीरियंस करने में जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे वो कोच को आपको फिर वो फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी जो तकलीफें कभी भी किसी की भी आती है वो हमेशा अपने कोच से उसको कंसल्ट करें, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो। अभी जैसे टॉपिक चल रहा है एंकर का, एंकर के बारे में है या आपका ड्रॉ के बारे में है, तो इन सब चीजों का कंसल्ट हमेशा कोच के साथ करें और कोच पर भरोसा करें। तो इन सब चीजों को जो है आर्चर को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी चीज सुधार रहे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपकी इंटरनल फीलिंग है, लेकिन जो सामने जो बता रहा है वो आपको और बेहतर तरीके से बता सकता है। आप भी मान लीजिए कोच नहीं है, आप जब किसी आर्चर से आप ड्रॉ करके रखे हैं तो ड्रॉ जब आप कर रहे हैं तो इस पोजीशन में जो है आपका ड्रॉ जो है पूरा वो एक लाइन में है या नहीं है, आप सामने वाले से भी ये चीज जो है आप पूछ सकते हैं, भाई मेरी लाइनिंग जो है सीधी है कि नहीं है, ज्यादा आगे नहीं है या ज्यादा पीछे नहीं है या अप या डाउन, कोई भी पोजिशन हो सकती है उसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो चल रहे हैं फिलहाल, तो आर्चर जो है इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। और मैं जो है इसके विषय में एक अभी इतना ही कहना चाहूँगा, और मुझे इस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर इनवाइट करने के लिए सत्यदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी कभी आवश्यकता होती है तो मैं अपनी सेवाएँ जो है आपको इसी तरह से देता रहूँगा, धन्यवाद। जी जी वेद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं कि अनुभव, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम सभी से साथ
से एमसीयूज वगैरह अच्छे नहीं होंगे, तो जो मैंने आपको बताया कि ड्रॉ करने के टाइम में लॉन्ग स्टेबलाइजर का मूवमेंट होता है, वो सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए कोच से कंसल्ट करना चाहिए। और जो एंकर के टाइम में बहुत जरूरी है, आपका निश्चित तौर पे हुकिंग अच्छा नहीं होगा। मैं सुनील जी के पास जाना चाहूंगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसको ले लें, क्योंकि समय काफी बढ़ गया है। बहुत अच्छा बताया एंकर के बारे में, पर एक क्वेश्चन आया है जो कि व्हाट अबाउट एंकर, इसमें लिखा हुआ है एक पूरा कि जब मैं एंकर करता हूं तो मेरी एंकर पोजीशन जो अपसाइड में चली जाती है, अपर बहुत सारे रीजन है, बेसिक चीज या कह सकते हैं जैसे ये चिन काफी ज्यादा निकला हुआ हो, ये चीजें काफी अंदर घुसी हो, तो उसके लिए आप जैसे फिंगर टेप नया खरीदते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हर कंपनी के प्लेटर आते हैं, प्लेट्स आते हैं जो फिंगर्स के ऊपर लगाए जाते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले आप बिना प्लेट के चलाएं, बिना एंकर प्लेट के चलाएं और अपने आप को कंफर्टेबल लेकर के आए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी वजह से आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप एंकर प्लेट का इस्तेमाल करें, और उससे क्या होगा कि आपका स्लिप होने का पोजीशन बंद हो जाएगा, या आप अपने कोच से इसके बारे में सलाह ले, हो सकता है आप ज्यादा पॉन्डेज भी ले रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आप एंकर बहुत आराम से फूल की तरह बैठा रहे हो, तो एंकर थोड़ा सा टाइट होना चाहिए लेकिन स्टिफ नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अपने कोच से सलाह लेनी होगी, और जो दो तीन पॉइंट मैंने बताए हैं अगर आप उसको ध्यान करेंगे तो ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। जी हाँ सर, एक क्वेश्चन और आया है कि एंकर के दौरान उसकी फोर्थ फिंगर जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, तो क्यों रह रही है? जी हाँ, ये हमसे एक पॉइंट छूट गया, बहुत अच्छा हो गया हमारे दर्शकों ने इसको कवर कर लिया। आप जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे फैशनेट फिंगर टेप आ रहे हैं, मैं तो फैशन ही कहूंगा इसको, कि उसमें एक फोर्थ फिंगर के लिए भी एक उन्होंने मेटल लगा दिया है कि आप फोर्थ फिंगर करके भी लगाएं, तो मैं सभी को अपनी राय देना चाहूंगा फैशन के लिए है कि आपका फिंगर आपका जो छोटा वाला फिंगर है वो स्टिफ हो रहा हो, या सही डायरेक्शन में नहीं आ रहा हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो, या आपका हुकिंग ना कि आपको डे टू डे रूटीन में उसको चलाने के लिए है। तो मेरा सिंपल सा यही सजेशन है कि जो फोर्थ फिंगर वाला जो डिवाइस फिंगर टेप में आ रहा है उसको इस्तेमाल करें फॉर फॉल्ट एंड करेक्शन के लिए, ना कि उसको डेली बेस की शूटिंग के लिए, क्योंकि उससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मान के चलिए वो चीजें 100 में से 2 प्लेयर को शूट कर सकती हैं, लेकिन देखा देखी लोग 98 प्लेयर्स भी देखा देखी लोग खरीद रहे हैं कि भाई नई कंपनी ने बनाया है, कुछ नया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चीजें अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, ना कि कंपनी या किसी और आर्चर्स की देखा देखी करके। जी हाँ, तो रामोदेश जी कुछ और ऐड करना चाहें तो हमारे बीच में आएं और थोड़ा सा एंकर वगैरह के बारे में कुछ और बताएं। जी सर, मुझे लगता है कि एंकर के बारे में आपने काफी चीजें, लगभग सारी चीजें कवर कर ली है। एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि जो फॉल्ट आता है, कई बार क्या होता है कि हम जब एंकर बैठाते हैं तो हमारा एंकर यहाँ से स्लिप करता है, कई बार एंकर बैठाने के बाद ये एंकर स्लिप करता है, एमिंग लेते हुए एंकर से स्लिप करता है। तो इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए, ताकि हमारा एंकर एकदम सॉलिड एंकर रहे, इससे बचने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्लिप करने का मतलब ये है कि हमें अपने पावर, जो बैक का पावर है और शोल्डर का जो अलाइनमेंट है, जो हमारा पुश का और पुल का पावर, हमने अपना बैलेंस नहीं रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा राइट साइड बहुत ज्यादा हम पावर लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम एंकर बैठाने के बाद भी अपने एंकर को ये पुल कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, आपका एंकर एकदम स्टेबल होना चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसा कि शुरुआत में ही कहा एंकर के बारे में सत्यदेव जी ने कि जहाज को स्टेबल करने के लिए वो एंकर लगाया जाता है, तो हमारा भी वहां, यहां भी वही पर्पस है कि एंकर एकदम स्टेबल रहे, बिल्कुल ही पीछे ना जाए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है।
दूसरा एक कई बार क्या होता है कि जो बॉन्ड जो हमारा यहाँ पर है उसके बनावट के हिसाब से भी हमें एंकर बैठाने में कई बार दिक्कतें आती है। कई आर्चर्स का क्या होता है कि ये जो आगे का चिन्ह है बहुत ज्यादा निकला हुआ होता है, तो उनको एंकर बैठाने में परेशानी आती है कि एंकर तो बैठ गया लेकिन हमारा नोज टच नहीं हो रहा जी। तो उसके लिए जैसा उन्होंने अभी सत्यदेव जी ने बताया कि आप नोजर या किसर, ये दो चीजों में एक पॉइंट को आप ले सकते हैं, कोई एक चीज आप यूज कर सकते हैं कि आपका एंकर तो बैठ गया लेकिन अगर आपका नोज टच नहीं हो रहा है तो आप नोजर लगाएं, उससे क्या होगा आपको एक रेफरेंस पॉइंट और मिल गया है। तो इस वजह से आप इस चीज से आप ओवरकम कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम एंकर बैठाते हैं और हमारा यहाँ पर गैप हो जाता है, ये गैप हो जाता है यहाँ पर जॉ बोन और आपके ये जो फर्स्ट फिंगर का ऊपरी हिस्सा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और जॉ बोन के बीच गैप हो जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अगर होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस चीजें हैं, वो आपको प्रॉपर फील नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर एंकर पैड लगाएं। अभी जैसा उन्होंने बताया सत्यदेव जी ने कि अलग अलग फिंगर टैप्स में एंकर प्लेट लगे होते हैं, तो आप उस एंकर प्लेट का इस्तेमाल करके आप इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा कई आर्चर्स क्या करते हैं कि एंकर बैठाने के बाद स्ट्रिंग उनका आगे की तरफ भाग रहा होता है, जैसे कि अभी मैंने स्लिप के बारे में बताया कि पीछे की तरफ खींच रहे हैं, कई आर्चर्स का एंकर बैठने के बाद ये आगे की तरफ भाग रहा होता है, स्ट्रिंग नोच से दूर चला जाता है। तो ये क्यों होता है? ये तभी होगा जब आप एंकर बैठाने के बाद आप अपना पावर यहां से छोड़ रहे हैं, ड्रॉ का पावर, जिस मसल्स को आपको यूज करना प्रॉपर मेंटेन करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका लूज पड़ रहा, तभी स्ट्रिंग आपका आगे भाग रहा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमने पावर जिस एंकर बैठाने के समय जिस पावर का यूज किया है वो हमारा मेंटेन रहे, तभी आपका ये एंकर सॉलिड बैठेगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये एक छोटी छोटी चीजें थी जो चीज मैं कवर करना चाहता था, ऐड करना चाहता था। अब मैं चाहता हूँ कि सत्यदेव सर आए और टेक ओवर करें। जी हाँ, अभी एक क्वेश्चन हमको चलते चलते रिसीव हुआ है तो मैं चाहूंगा कि उसको ले लिया जाए। किसी आर्चर ने लिखा है कि ड्रॉ पोजीशन में आने के बाद, एंकर पोजीशन में आने के बाद वो हैंड में हल्का सा शेकिंग जैसा होता है, रिलीज हैंड में हल्का सा शेकिंग होता है, इसका वजह क्या है? वजह ये है कि हो सकता है आप हाई पाउंडेज चला रहे हो सकता है कि आपके बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपके ये वाले मसल्स ज्यादा एक्टिव हो, तो आप उस चीज को देखिए कि थोड़ा सा जो है हैवी ट्रेनिंग आप अपना बंद कर दीजिए, और अगर आपका बो पॉन्डेज आपके हिसाब से ज्यादा लगता है तो आप अपना पॉन्डेज थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप थोड़ा सा अच्छा से कीजिए। और दो तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं, एक आइसोमेट्रिक एक आइसोटोनिक, तो आप उन एक्सरसाइज एक्सरसाइजेस को लेकर के चले तो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज रक्षाबंधन है, लेकिन एक चीज आपको नहीं पता होंगी, आज संस्कृत दिवस भी है। अगर संस्कृत नहीं हो तो संस्कृति नहीं हो सकती, और मैं खुद एक संस्कृत का स्टूडेंट हूँ, तो आज का जो कार्यक्रम समापन के लिए जो मैं बोलूंगा वो संस्कृत में ही होगा। आप देखिए संस्कृत कैसी होती है। तो अद्य अंतर्जालीय पाठशाला अस्माकम् अद्यैव समाप्स्यते। अहं बहुशः धन्यवादं कर्तुम् इच्छामि महानिदेशक महोदय श्री संदीप प्रधान महोदय, अस्माकम् निदेशिका महोदय श्रीमती ललिता शर्मा जी, अन्यत् अस्माकम् दीर्घभ्रातावत् श्री संजीवा सिंह द्रोणाचार्यवाड़ी। ऐसा पाठशाला बहुत सम्यक गच्छति, मम शुभकामना। अन्यत् अग्रिम दिनांके या अस्माकम् अंतर्जालीय पाठशाला भविष्यति पंच दिनांके 5 तारीख को हमारी अगली क्लासेस होंगी, सेम इसी समय पे ठीक 2 से 3। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उसको जरूर ज्वाइन करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय हिंद।